Friends, in the last video, we came to know about the chapter number 5, Father's Room of Swami and Friends, Section B, Class 12th. Now, in this video, we are going to study the chapter 5's question and answer, and let's start the question answer of this chapter. The first question is, how did grandmother react when Swaminathan told her about Rajam's visit? What instruction did Swami give to her? जो स्वामी की दादी थी उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया जब स्वामी ने उन्हें बताया कि राजम आने वाला है, और क्या इंस्ट्रक्शन स्वामी ने दादी को दिए थे इससे पहले कि राजम आए? तो हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, बड़े ही बदतमीजी से स्वामी ने कह दिया था कि आप बहुत ही बूढ़े हो और आपको नहीं आना चाहिए उसके सामने. सो व्हाट हैपेंस, लेट्स स्टार्ट. It was Saturday and Rajam was to visit Swami in the afternoon. Saturday का दिन था, Rajam आने वाला था Swami के घर पर मिलने दोपहर में. Swami wanted to create a good impression on his friend. Swami अपने दोस्त पर बहुत ही अच्छा impression बनाना चाहता था, जमाना चाहता था. Who was a VIP? Obviously बात है, वो very important person, VIP था. The son of superintendent of police, क्योंकि वो बेटा था superintendent of police का. He first cleaned his table. उसने पहले तो अपनी टेबल साफ़ करी. Arrange his books properly. उसने अपनी बुक्स को अरेंज किया properly. Then he talked to his granny. फिर उसने दादी से बात की. She was too old. वो बहुत ही बूढ़ी थी. And so he wanted that she could not come in Rajam's was with him. तो उसने चाहा कि जब राजम उनके साथ रहे, स्वामी के साथ रहे, तो दादी ना आए वहाँ पर. He told her so frankly. उसने बिल्कुल बेबाक तरीके से ये बात कही. Even though it must have been painful for her, हालांकि ये बात उन्हें काफ़ी बुरी लगी होगी, काफ़ी पेनफुल रही होगी, जैसा कि मैंने कहा कि उसने काफ़ी रूडली बात करी थी. द क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डिड स्वामीनाथन कवर अप हिज लाई दैट द रूम दे वर सिटिंग इन वॉज हिस. आपको बताना है कि स्वामी ने कैसे उस झूठ को कवर किया जहाँ पर उसने कहा था कि जिस रूम में वो लोग बैठे हैं, है ना, वो उसका कमरा है. इस झूठ को कवर कैसे किया? During Rajam's visit, everything went on smoothly. Rajam की विजिट के दौरान सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था. They were together for 3 hours. वो 3 घंटे से एक दूसरे के साथ थे. And talked on a number of subjects. उन्होंने बहुत सारे, है ना, टॉपिक पे, सब्जेक्ट्स पे बात कर ली थी. The snacks were wonderful. जो स्नैक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे. And the coffee was really good. कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी. बट राजम पुट सम awkward questions. लेकिन राजम ने उसके सामने कुछ बहुत ही अजीब प्रश्न रख दिए. विच इज़ योर रूम, राजम ने पूछा. स्वामीनाथन रिप्लाइड विथ अ ग्रेव फेस, दिस इज़ माई रूम. स्वामीनाथन ने बड़े, है ना, निराश मुँह से कहा कि ये मेरा ही तो कमरा है. क्यों? राजम को थोड़ा सा इस बात को निगलने में टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पर वकालत की बुकें रखी थी. उसने पूछ लिया, डू यू रीड सच बुक्स, क्या तुम ये किताबें पढ़ते हो? ही आस्ड आइंग द बिग लॉ बुक्स ऑन द टेबल. उसने बड़ी बड़ी जो किताबें रखी थी लॉ की, उनको देख कर ये सब कहा. स्वामीनाथन बस एम्बेरेस. स्वामीनाथन काफ़ी एम्बेरेस हो गया था, काफ़ी निराश हो गया था, काफ़ी शर्मिंदा हो गया था वो. हार क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट प्रोवोक्ड स्वामीनाथन टू स्लेप द पी. किस बात ने स्वामी को भड़का दिया कि उसने पी को चाटा मारा? व्हाट फॉलोड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या क्या हुआ? आर आंसर स्टार्ट्स, वन डे व्हेन स्वामी एंटर्ड द क्लास. एक दिन जब स्वामी क्लास में एंटर करा, अ गीगल वेंट अलॉन्ग द बेंचेस. एक हंसी बेंचेस के आसपास सुनाई देने लगी स्वामी को. समबडी हैड रिटन टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड इन ह्यूज लेटर्स. किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर पूंछ लिख दिया था. स्वामीनाथन सस्पेक्टेड दैट द पी एंड शंकर. स्वामीनाथन का शक घूम के गया पी और शंकर पे. सो ही स्लेप्ड देम, इसलिए उसने उन्हें चाटा मारा. पेंडोमोनियम ब्रोक आउट इन द क्लास. एक विवाद सा, एक बिल्कुल, है ना, झड़प सी शुरू हो गई क्लास के अंदर. विद शंकर द पी एंड स्वामी रोलिंग वर टीयरिंग ईच अदर्स हेयर. है ना, वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, चेहरा नोच रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे. द फाइट स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट व्हेन द टीचर एंटर्ड. कब रुकी फाइट? जब टीचर ने एंटर किया क्लासरूम में. बट अ मोमेंट लेटर, लेकिन कुछ देर बाद, दे लेफ्ट द क्लास टू फाइट इट आउट इन द फील्ड्स. लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने क्लास छोड़ दी और खेत पे चले गए ताकि फाइट को सॉर्ट आउट कर सके. हालांकि सॉर्ट आउट तो नहीं हुई, और ज़्यादा लड़ ली है वहाँ पर. तो आर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वाई डिड मनी टेक द बॉयज आउट ऑफ द क्लास टू सेक्लूडेड प्लेस? मनी सारे लड़कों को एकांत स्थान पर लेकर क्लास से बाहर क्यों गया था? वाई कुड नॉट ही नॉट बी सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन? वो आपस में विवाद सुलझाने में सफल क्यों नहीं हो पाया? स्वामी टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट द पी एंड शंकर रोट टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड. स्वामी ने अपने दोस्त से, है ना, स्वामी ने अपने दोस्तों से कहा कि पी और शंकर ने, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में टेल लिख दिया था ब्लैक बोर्ड पर, एंड देट दे कॉल्ड हिम राजम्स टेल. और वो इनने ये भी बताया कि वो से राजम की पूंछ चिढ़ाते हैं. किसको? स्वामी को. सोमू साइडेड विद शंकर एंड पी. सोमू ने किसका साइड लिया? शंकर और पी का. मनी स्टूड अप फॉर स्वामी. और मनी तो ग्रेट दोस्त था भाई स्वामी का, उसने स्वामी का ही साथ दिया. इन ऑर्डर टू सेटल द मैटर, मैटर को सेटल करने के लिए मनी टुक द बॉय टू द सेक्लूडेड प्लेस. बच्चों को बाहर ले गया, वो लड़कों को बाहर ले गया खाली स्थान पर. अ फियर्स फाइट बिटवीन मनी एंड सोमू फॉलोड. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुई फाइट. किसके बीच में? मनी और सोमू के बीच में. बट द अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन वॉज फेल. लेकिन वो जो निपटारा कराने का, सुलझाने का जो, है ना, तरीका था, वो फेल हो गया. बिकॉज मनी एंड सोमू स्टार्टेड टू फाइट ईच अदर. क्योंकि जो सुलझाने गए थे मनी और सोमू, वो खुद ही आपस में लड़ने लगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु चैलेंज मनीस अथॉरिटी? हाउ वॉज द फाइट एंडेड? मनी की अथॉरिटी को, मनी का जो एक सत्र राज चल रहा था, उसको किसने चुनौती दी? फाइट का अंत कैसे हुआ? सोमू. सोमू चैलेंज मनीस अथॉरिटी. सोमू ने चैलेंज करा मनी की अथॉरिटी को. द फाइटिंग बिटवीन देम वॉज सो वायलेंट. उनके आपस के बीच की लड़ाई इतनी ज़्यादा वायलेंट थी, डेडली थी, कि जो तीन बचे हुए लोग थे, शंकर, पी और स्वामी, उनको थॉट, उनको लगा दैट द टू वुड मर्डर ईच अदर, कि वो एक दूसरे का मर्डर कर देंगे. इन ग्रेट पेनिंग दे रश टू द हेडमास्टर. और डर के मारे वो लोग, है ना, हेडमास्टर के पास दौड़ के गए. एंड टोल्ड हिम दैट टू मर्डर्स वर बीइंग कमिटेड इन द स्कूल फील्ड. दो मर्डर होने वाले हैं स्कूल फील्ड में, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बताया. हेडमास्टर केम टू द स्पॉट एंड इजीली पार्टेड द टू बॉयज. हेडमास्टर स्पॉट पर आए, उन्होंने दोनों लड़कों को अलग कर दिया. एंड दस पुट एन एंड टू द फाइट. इस तरह से फाइट का क्या हो गया? अंत हो गया. स्वामी वॉज मच सरप्राइज एट दिस. स्वामी बहुत ही सरप्राइज था इस बात को देखकर, क्योंकि उसे लगता था कि जितनी ताकत सोमू और मनी में है, उतनी तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है. सो दीज वर आर स्मॉल क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव टू द बिगर क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच. आपको 150 शब्दों में इनके अंतर देना है. व्हाट प्रिपरेशन डिड स्वामी मेक फॉर राजम्स विजिट टू हिज हाउस? ये भी अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजम के आने से पहले स्वामी ने क्या क्या तैयारियाँ की थी. वैसे तो आप जो ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं उनको अगर आपस में मिक्स किया जाता है तो ही ये लार्ज क्वेश्चंस अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून, दोपहर सैटरडे की दिन था, राजम ने प्रॉमिस किया था कि वो स्वामी के घर आएगा. ही वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड. स्वामी बहुत एक्साइटेड था. एज ही हैड ऑलरेडी विजिटेड राजम हाउस, क्योंकि वो भी राजम के घर जाके आ चुका था. He did not want to show himself inferior anyway. वो अपने आप को किसी भी तरह से नीचा दिखाना नहीं चाहता था. So first he was confused about the room where he would entertain his friend. तो पहले तो वो कन्फ्यूज था कि वो अपने दोस्त को कहाँ एंटरटेन करेगा, कौन से कमरे में एंटरटेन करेगा. He selected it his father's room. उसने अपने पिताजी का कमरा तय किया कि वो वहाँ पर उन्हें एंटरटेन करेगा. He cleaned the table. उसने टेबल को क्लीन किया, अपनी बुक्स को जमाया, है ना, उसके इतना अच्छा जमाया कि उसके पिताजी भी आश्चर्य में थे. Then he instructed his mother to prepare something nice and sweet. उसने अपनी माँ को इंस्ट्रक्ट किया कि कुछ अच्छा, कुछ मीठा बना दो. He suggested not to make usual coffee but very good and hot. उसने सजेस्ट किया कि जैसी कॉफ़ी आप हमेशा बनाती हो वैसी कॉफ़ी मत बनाना, कुछ अच्छा, कुछ, है ना, बढ़िया बना देना. He asked his mother to send the coffee and tiffin through the cook. और उनने ये भी कहा कि मैं खुद नहीं लेने आऊँगा, आप कुक के जरिए ये सारा सामान भिजवा देना. He also instructed his cook to wear a clean white dhoti and shirt. उसने अपने कुक को इंस्ट्रक्ट दिया कि तुम अच्छी धोती पहनना, साफ सुथरी धोती पहनना, शर्ट भी पहनना. Then he asked his mother to ask father to allow him to use the room for the Rajam's visit. फिर उसने अपनी माँ से कहा कि वो पिताजी से कहे कि वो उसे कमरा दे दे ताकि वो राजम को वहाँ बैठा सके. और however father agreed, और पिताजी एग्री हो गए. Now the second question, narrate the incident in the class which ultimately led to the fight between Mani and Somu.
क्लास की उस घटना को समझाइए जहाँ का है ना घट जहाँ लड़ाई हुई और आखिर में मनी और जो सोमू हैं उनकी फाइट शुरू हो गई। ऑन द मंडे मॉर्निंग आफ्टर सैटरडेज विजिट टू राजम्स हाउस, मंडे का दिन था, संडे को सैटरडे को राजम इसके घर आके गया था स्वामी के। स्वामी केम टू स्कूल मंडे को, जब स्वामी स्कूल आया, बट इट वॉज नॉट ऑल प्लीजेंट फॉर हिम, लेकिन वो दिन इसके लिए कोई खुशनुमा नहीं होने वाला था। समवन हैड रिटन द वर्ड टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड इन ह्यूज लेटर्स, किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में टेल लिख दिया था। स्वामी सस्पेक्टेड दैट द पी एंड शंकर हैड डन इट, स्वामी ने शक जताया कि पी और शंकर ने ये किया है। सो ही स्लैप्ड देम ऑन द फेस, तो उसने उसे चाटा मार दिया दोनों को। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट स्वामी शंकर एंड द पी वर रोलिंग ओवर एंड ओवर एंड टीयरिंग ईच अदर्स हेयर फेसेस एंड क्लॉथ्स, उसके तुरंत बाद एक युद्ध शुरू हुआ जिसके बाद ये दोनों ये सारे के सारे एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, चेहरा नोच रहे थे, कपड़े नोच रहे थे। द फाइट स्टॉप फॉर अ वाइल व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, बट अ मोमेंट लेटर दे लेफ्ट द क्लास टू फाइट इट ऑन द फील्ड, तो कुछ समय के लिए जब टीचर ने एंटर किया तब तो फाइट रुक गई, लेकिन थोड़े समय बाद ये सब क्लास के बाहर चले गए बाहर लड़ने के लिए। सोमू साइडेड विद शंकर, सोमू ने शंकर और पी का साइड लिया जबकि मनी स्वामी का साइड ले रहा था। अ फियर्स फाइट बिटवीन मनी एंड सोमू फॉलोड, उसके बाद हुई सोमू और मनी में लड़ाई। मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन एंड सोमू स्नैप सोमू को मारने के लिए, मनी ने जब हाथ उठाया है ना, सोमू पुश्ड इट अवे विद अ हैवी ब्लो, सोमू ने भी उसको जोरदार धक्का देके पीछे हटाया। दे वर फाइटिंग इन अ बोल्ड मैनर, बहुत ही बुरे तरीके से लोग लड़ रहे थे और जब तक हेडमास्टर नहीं आए तब तक ये सब कुछ चलता रहा। सो इट वॉज ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।